नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सीनियर सिटीजन। दोस्तों जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम जानेंगे सीनियर सिटीजन एक्ट आखिर क्या है, यह एक्ट कब लागू किया गया और इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम जो बुजुर्ग माता पिता हैं अगर उनसे कोई मारपीट करता है या उन्हें धमकाने की कोशिश करता है तो वो सीनियर सिटीजन एक्ट लागू लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत इस सीनियर सिटीजन एक्ट के माध्यम से सजा होती है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आज के सेशन में हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे वो बिंदु निम्न हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल बुजुर्ग 5 ऐसी कौन सी सिचुएशन में कर सकते हैं, वो 5 जो सिचुएशन होती हैं उन 5 सिचुएशन को हम जानेंगे। बुजुर्गों को सताना पड़ेगा भारी, आईपीसी की कौन सी धाराओं के तहत उनको सजा मिलती है, ठीक है। दोस्तों तो आज के सेशन में हम चर्चा यही करने वाले हैं कि बुजुर्गों को सताना नहीं पड़े और अगर कोई बुजुर्गों को सताता है तो उनको सजा किस तरह से दी जाती है, उसकी सजा का प्रावधान क्या होता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें, वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में कौन लोग आते हैं। तो दोस्तों जवाब इसका सुनिए, जिन लोगों की उम्र 60 साल या उनसे ज्यादा है वे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन दोस्तों? जो 60 साल से ज़्यादा के माता पिता या बुजुर्ग लोग हैं वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल बुजुर्ग 5 सिचुएशन में कर सकते हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशन है 5, उनको एक बार हम ध्यान से देखते हैं। बेटा बेटी या बहू प्रताड़ित करता है, ठीक है। दोस्तों अगर किसी बुजुर्ग दादा दादी को अगर बेटा हो या बेटी हो या उनकी बहू हो, जो भी हो, अगर उसको प्रताड़ित करते हैं तो वो सीनियर सिटीजन के एक्ट के अंतर्गत उसका मुकदमा दर्ज हो सकता है। बेटा बहू संपत्ति हड़पना चाहते हैं तब भी वो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उसका मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। बच्चे बुजुर्ग माता पिता को मेंटेनेंस नहीं देते, ठीक है। बच्चे उनके साथ अगर मारपीट करते हैं तब ये लागू है, ठीक है। बच्चे या बहू उन्हें शांतिपूर्वक जीने नहीं देते तब ये एक्ट लागू होगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बुजुर्ग माता पिता की अगर हम देख रेख नहीं करेंगे या उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऊपर सीनियर सिटीजन एक्ट लागू किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों बुजुर्गों को सताना पड़ेगा भारी, आईपीसी की इन धाराओं के तहत मिलेगी सजा। कौन सी धाराओं के बारे में देखते हैं दोस्तों? धारा 294, ठीक है। धारा 294 गाली गलौज करने वाले पर यह धारा लगती है। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक पैलेस या किसी पब्लिक पैलेस पर किसी को अभियोज्य करता है या, ठीक है, मतलब किसी से बर्ताव अच्छा नहीं करता है, उसे गाली गलौज करता है, ठीक है, उसे धमकाता है, तब जेल हो सकती है आईपीसी 294 धारा के अंतर्गत। दोस्तों धारा 323 के अंतर्गत क्या है वो देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर सामने वाले को चोट पहुंचाता है
तो कुछ समय के लिए जेल हो सकती है। जेल में रहने की अवधि 1 साल की हो सकती है। 1,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है दोस्तों, धारा आईपीसी की धारा जो 323 है उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसे 1 साल की जेल हो सकती है और 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी धारा 294 और धारा 323। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धारा नंबर 352। ठीक है धारा 352, जब कोई व्यक्ति किसी पर हमला करता है या ताकत यूज करता है तो जेल हो सकती है। ठीक है इसकी सजा ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक होगी। ठीक है 3 साल तक सजा होगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है इसमें भी सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 352 के अंतर्गत। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी पर हमला करता है या अपनी ताकत आजमाने का कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, धारा 352 लगाई जा सकती है। ठीक है धारा 506, आपराधिक धमकी देने पर यह धारा लगाई जाती है। जेल के साथ जुर्माने का प्रावधान है इस धारा के अंतर्गत। अगर इस धमकी की वजह से चोट या मौत हो जाए तब जेल की अवधि बढ़ा दी जाती है। दोस्तों धारा 506 है उनके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को धमकाया जाता है, ठीक है, और धमकाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को चोट या मौत हो जाए उस व्यक्ति की, तब इसकी जो जेल की अवधि है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों धारा 352 और धारा 506 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इन सिचुएशन में सीनियर सिटीजन एक्ट की मदद ले सकते हैं बुजुर्ग, जो हमने अभी आपको पहले भी बता दिया। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों कि जो बुजुर्ग होते हैं वो कौन सी सिचुएशन में सीनियर सिटीजन एक्ट की मदद से हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है बेटा बेटी या बहू प्रताड़ित करता हो, बेटा बहू संपत्ति हड़पना चाहते हो, बच्चे बुजुर्ग माता पिता की मेंटेनेंस नहीं देते, बच्चे उनके साथ मारपीट करते हो, बच्चे या बहू उन्हें शांतिपूर्वक जीने नहीं देते, तो इन सभी सिचुएशनों के तहत सीनियर सिटीजन एक्ट की मदद ले सकते हैं बुजुर्ग लोग। ठीक है कितने साल के ऊपर वाले? 60 वर्ष से ऊपर। ठीक है 60 साल से ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो बुजुर्गों को ये 4 चीजें दे। ठीक है जो दोस्तों बुजुर्ग होते हैं, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत बच्चों की जिम्मेदारी इस एक्ट के तहत की गई है कि बुजुर्गों को 4 चीज अवश्य दे। ठीक है जिसमें खाना हो गया, कपड़ा हो गया, मेडिकल सुविधा हो गई, ठीक है, और घर हो गया। ये चार चीजें दोस्तों बुजुर्गों को अवश्य देनी चाहिए और ये सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत इसका प्रावधान है। ठीक है दोस्तों सीनियर सिटीजन एक्ट कब लागू किया गया था भारत में? 2007 में। ठीक है 2007 में लागू किया गया था। इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे सीनियर सिटीजन एक्ट क्या होता है। ठीक है तो बने रहिए वीडियो के साथ दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 4 सिचुएशन में बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल करने का अधिकार है, वो कौन से हैं देखते हैं। जिन माता पिता या बुजुर्गों के बच्चे नहीं हैं लेकिन ऐसे रिश्तेदार या लोग जो उनकी संपत्ति के वारिस हैं फिर भी उनकी देखभाल नहीं करते हैं। ठीक है एक पॉइंट हो गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट है जिसके खुद के बच्चे हैं लेकिन बच्चे अपने माता पिता का खर्च उठाने और देखभाल करने से इनकार कर देते हैं। ठीक है 2 पॉइंट हो गए दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति बच्चों या किसी रिश्तेदार को गिफ्ट या दान में दी है
और वो उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चार नंबर का पॉइंट है, बुजुर्गों की खुद की बनाई संपत्ति में उनके बच्चे रह रहे हैं और उन्हें मेंटली या फिजिकली परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चार सिचुएशन ऐसी हैं, इन सिचुएशन के तहत सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल करने का अधिकार है बुजुर्गों को। ठीक है दोस्तों, ये सोर्स हमने कहाँ से लिया है, एडवोकेट सचिन नायक फैमिली और क्रिमिनल लॉयर्स। ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये सीनियर सिटीजन एक्ट आखिर है क्या, तो दोस्तों इनके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों इसका जवाब है, सीनियर सिटीजन के संरक्षण के लिए यह एक्ट 2007 में लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत बुजुर्गों को फाइनेंशियली सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस जिंदगी जीने के खर्च, ठीक है, और प्रोटेक्शन मिलने का अधिकार है। किसके तहत? सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत। आमतौर पर बुजुर्ग अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं, इनके बाद बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं। ठीक है, अधिकांश ऐसा ही होता है दोस्तों। इस सिचुएशन में बुजुर्ग सीनियर सिटीजन एक्ट की मदद ले सकते हैं। अगर कोई सीनियर सिटीजन जो भारत का नागरिक है लेकिन देश के बाहर रहता है, वह भी इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। शांति और डिग्निटी के साथ बुढ़ापे में बुजुर्ग जी सके, इसका अधिकार संविधान के आर्टिकल 41 और 46 में भी दिया गया है। दोस्तों जो संविधान का आर्टिकल 41 और 46 है, ठीक है, उनके अंतर्गत भी बुढ़ापे में बुजुर्ग जी सके शांति और डिग्निटी के साथ, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है। दोस्तों इसे 2007 में भारत में लागू किया गया था और ये एक बुजुर्गों को फाइनेंस सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी और मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन देने का अधिकार है, उसके अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सीनियर सिटीजन एक्ट आखिर क्या है। ठीक है तो आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों सीनियर सिटीजन एक्ट या अधिनियम के तहत बुजुर्गों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है, उन्हें मेडिकल सिक्योरिटी दी जाती है, जरूरी खर्च और प्रोटेक्शन दी जाती है। अगर बच्चे देखरेख न करें या उनकी जिम्मेदारियों को न निभाए तो माँ बाप उन पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। 2007 में सीनियर सिटीजन एक्ट भारत में लागू किया गया था। कब दोस्तों? 2007 में। ठीक है, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत। ठीक है, यह अधिनियम किसके तहत कार्य करता है? माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण विभाग वो कल्याण अधिनियम 2007 भारत सरकार का एक अधिनियम है जो वृद्ध व्यक्तियों एवं माता पिता के भरण पोषण एवं देखरेख पर एक प्रभावी व्यवस्था करती है। इसका विधेयक सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसका विधेयक कैसे पारित किया गया था? सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा पारित किया गया था या लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे सभी को पता चल सके कि अगर हम अपने माता पिता या बुजुर्ग दादा दादी को अगर अच्छे से नहीं रखेंगे तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई किस तरह से की जा सकती है। इसी कारण दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक पहुँचाने की कोशिश करें। और दोस्तों ऐसे ही नए नए टॉपिक पर नए नए अंदाज में हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों अभी हाल ही में हमने एक वीडियो YouTube पर अपलोड किया है जो बाघ नख से संबंधित है। दोस्तों बाघ नख क्या होती है इस वीडियो में हमने विस्तार से बता रखा है। बाघ नख एक दोस्तों गुप्त हथियार होता था जो अंगुलियों में छिपाकर इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों बाघ नख को लेकर
भारत सरकार बागनक को वापस लाने की भारत सरकार भारत में वापस लाने की क्या प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं के बारे में भी हमने विस्तार से बताया है। और दोस्तों, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है, लेकिन बहुत कम का वीडियो है। इस वीडियो को भी आप लास्ट तक अवश्य देखें। और दोस्तों, 205 साल पहले जेम्स ग्रांट डफ बागनक को इंग्लैंड ले गया था, ठीक है। तो इस बागनक से संबंधित महत्वपूर्ण सभी जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। इस वीडियो की लिंक दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। और दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो नए नए अंदाज में लाते रहेंगे आप सभी के लिए। तो दोस्तों, जल्दी ही हम नया वीडियो नए टॉपिक पर नए अंदाज में लाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।